क्या चंद्रयान 3 के रॉकेट का हिस्सा टूटकर ऑस्ट्रेलिया में गिरा है? ये सवाल कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक मिस्टीरियस 2.5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर लॉन्ग कॉपर सिलेंडर की पिक्चर शेयर की थी, जो देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो गई और लोग दावा करने लगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जूरियन बीच पर मिला ये करीब 10 फीट लॉन्ग एनॉर्मस साइज सिलेंडर इंडिया के रिसेंटली लॉन्च चंद्रयान 3 के रॉकेट के फ्यूल टैंक का हिस्सा है, जिसे रिसेंटली 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पर क्या ये सच में चंद्रयान 3 का पार्ट है? और अगर हाँ, तो क्या इससे इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन को कोई खतरा हो सकता है? वेल, इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा ज्यादातर स्पेस डिब्रीज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पर ही क्यों गिरती है? जैसे एग्जांपल के लिए साल 1979 में अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब भी डी ऑर्बिट होकर इसके कई बड़े बड़े पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी इलाकों में गिरे थे, या फिर रिसेंटली स्पेसएक्स के रॉकेट कैप्सूल का ये बड़ा हिस्सा ही देख लीजिए, जो आसानी से किसी की भी जान ले सकता था। एंड द मोस्ट फेमिलियर इंडियन लॉन्च व्हीकल का ये मिस्टीरियस कॉपर सिलेंडर, जिसे चंद्रयान 3 का बताया जा रहा है। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डीप में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 मीटर वाइड एंड ऑलमोस्ट 3 मीटर लॉन्ग ये मिस्टीरियस कॉपर कलर्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इंडियन ओशियन से बहकर ऑस्ट्रेलिया के जूरियन बे बीच तक पहुंचा है, जो जगह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल पर्थ से केवल 250 किलोमीटर दूर है। अब 16 जुलाई संडे की सुबह जूरियन बे बीच पर घूम रहे कुछ लोकल लोगों ने बीच पर जब इतने बड़े मेटल ऑब्जेक्ट को देखा, तब उन्होंने इसकी लोकल पुलिस को जानकारी दी। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए शुरुआत में काफी लोकल लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोकल्स ने इसे द ग्रेट सोशल इवनिंग का भी नाम दिया। अब लोकल पुलिस का इस ऑब्जेक्ट पर कहना था कि वो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी यानी कि ASA के साथ मिलकर इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन एंड नेचर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जैसा कि इसे देखकर लग भी रहा था कि ये किसी बड़े रॉकेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए किसी अननोन रिस्क से बचने के लिए लोगों को इससे दूर रखा जा रहा था। क्योंकि देखो, कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हो सकता है ये रॉकेट के फ्यूल टैंक का कोई हिस्सा हो, जिसमें पॉइजनस केमिकल जैसे कि हाइड्राजीन यानी कि N2H4 हो, जिसके करीब रहना इंसानों के लिए काफी डेंजरस और यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। अब ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर करते हुए कहा कि हम करेंटली इस फॉरेन ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, जो एक फॉरेन स्पेस लॉन्च व्हीकल का पार्ट हो सकता है। साथ ही हम दुनिया की दूसरी कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी इस ह्यूज सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिसेंटली दुनिया भर में लॉन्च स्पेस मिशंस और उनके लॉन्च व्हीकल्स की ट्रेजेक्टरी और लॉन्च की डिटेल्स को स्टडी कर रही है। अब सवाल यह है कि इज द मिस्टीरियस लार्ज सिलेंडर रियली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन लॉन्च व्हीकल? तो अगर इस 10 फीट बड़े कॉपर कलर्ड सिलेंडर को ध्यान से देखा जाए ना, तो हमें देखने को मिलता है कि ये पार्शियली डैमेज्ड है, जिसमें इसका बॉटम हाफ का एक बड़ा सा हिस्सा मिसिंग है, जो देखो या तो अर्थ पर क्रैश लैंडिंग के दौरान इससे अलग हुआ होगा, या फिर किसी सिस्टमैटिक वे में अलग किया गया होगा। अब साइंटिस्ट एलाइस गॉर्मेन ने द गार्जियंस को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट एक फ्यूल सिलेंडर है, जो चंद्रयान 3 के रॉकेट के थर्ड स्टेज के दौरान उससे अलग होकर अर्थ के एटमोस्फेयर में री एंटर करते हुए इंडियन ओशियन में गिरा होगा। बट इसी के साथ What are the other theories? Well, इस ऑब्जेक्ट को जब शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, तो सोशल मीडिया के कई लोगों ने इसे एक ऐसी मिस्टीरियस एयरलाइन MH370 से जोड़ दिया, जो कि 8 मार्च 2014 को 227 पैसेंजर्स के साथ मलेशिया से चाइना के बीजिंग की ओर उड़ रही थी, और उड़ान के एक घंटे बाद ही ये फ्लाइट मानो हवा में कहीं गायब हो गई, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। अब कई लोगों का मानना है कि ये फ्लाइट इंडियन ओशियन में कहीं क्रैश हो गई
गई होगी। वैसे अगर आपको इस मिस्टीरियस एयरलाइन की सडन डिसअपीयरेंस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट ज्यादा हुए तो डेफिनेटली इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो देखो, जब इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को MH370 एयरलाइन से जोड़कर इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ समय बाद ही एक्सपर्ट्स ने ये साफ कर दिया कि ये MH370 का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट डेफिनेटली एक बड़े रॉकेट के फ्यूल टैंक का हिस्सा है। ठीक बिल्कुल उसी तरह के रॉकेट्स जैसे इसरो द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। वेल, यहां तक काफी सारी बातें दिमाग में आ रही होंगी, लेकिन अब बात करते हैं सच्चाई के बारे में, द ट्रुथ। देखो, इसके अलावा भी कुछ दिनों से कई एक्सपर्ट्स इसे चंद्रयान 1 के लॉन्च व्हीकल PSLV यानी कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भी जोड़कर देख रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह भी है। अब एग्जांपल के लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखो, जिसमें इसरो के PSLV रॉकेट की असेंबली होते हुए दिखाया गया है, जिसमें आप PSLV के फ्यूल टैंक पर बने ये मार्क्स देख सकते हो, जो कि हूबहू ऑस्ट्रेलिया में मिले इस सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट से मैच करते हैं, जो ये कंफ्यूजन को साफ कर देता है कि ये चंद्रयान 3 रॉकेट का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने हमारी रिसेंटली चंद्रयान 3 पर बनाई गई ये डिटेल्ड वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्राइम के बटन पर क्लिक करके अभी देख लो। तो देखो, उस वीडियो में मैंने क्लियरली कहा है LVM3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी, कि चंद्रयान 3 को इसरो के सबसे हैवी रॉकेट LVM3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था, जिसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, क्योंकि PSLV इतना केपेबल ही नहीं है कि वो चंद्रयान 3 के पेलोड को अर्थ के पार्किंग ऑर्बिट तक ले जा सके। अब इसके अलावा ये चंद्रयान 3 के रॉकेट का हिस्सा नहीं है, इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ हमें इसकी इन पिक्चर्स में ही देखने को मिलता है, जहां हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर कितने ज्यादा अमाउंट में बार्निकल्स सी एनिमल्स चिपके हुए हैं, और इतनी अमाउंट में बार्निकल्स तभी चिपकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर बड़ा एनिमल ज्यादा समय तक ओशन में बिताए। एग्जांपल के लिए व्हेल्स के बॉडी पर भी हमें इस तरह के बार्निकल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कई सालों के दौरान उनके बॉडी में चिपकते हैं। इन शॉर्ट, इतनी अमाउंट में बार्निकल्स के चिपकने के लिए इस ऑब्जेक्ट को कई साल ओशन में बिताने होंगे, और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि चंद्रयान 3 तो अभी रिसेंटली 14 जुलाई को ही तो लॉन्च हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स हम कह सकते हैं कि ये 10 फीट बड़ा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट चंद्रयान 3 का नहीं, बल्कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए किसी और मिशन का पार्ट है, जिसमें हमने डेफिनेटली PSLV रॉकेट का यूज किया था। इसीलिए कई लोग इसे चंद्रयान 1 से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 1 के लॉन्च के लिए हमने PSLV रॉकेट का ही यूज किया था। अब ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चंद्रयान 1 से रिलेटेड है या नहीं, बट रिसेंटली 31 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पर ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ये कंफर्म कर चुकी है कि ये इंडिया के ही PSLV रॉकेट के थर्ड स्टेज का हिस्सा है, और इस पर भी रिसेंटली हमें कई आर्टिकल देखने को मिले हैं। वैसे यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये इंडियन PSLV रॉकेट का हिस्सा है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया इसे इंडिया को वापस करेगा? तो जवाब है जी नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि वह तो इसे अपने पास रखते हुए खुश है और इसे अपने स्पेस म्यूजियम में भी रखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? वेल, इसके लिए हमें थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानना होगा। देखो, UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के मुताबिक कंट्रीज को उनके टेरिटरी में मिलने वाला कोई भी फॉरेन स्पेस ऑब्जेक्ट उसके असली ओनर कंट्री को वापस देना होगा। यानी यूनाइटेड नेशंस के रूल्स के मुताबिक तो ऑस्ट्रेलिया को इस पार्ट को इंडिया को वापस कर देना चाहिए, पर रियलिटी तो ये है कि इंडिया खुद भी रॉकेट के इस हिस्से को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये PSLV रॉकेट का हिस्सा इंडिया के जिस भी मिशन का हो वो ऑलरेडी अपना काम कई साल पहले कर चुका है। अब इंडिया को इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी एनालिसिस इस पार्ट पर नहीं करना है जो हमें फ्यूचर मिशंस की स्टडीज के लिए चाहिए होगी, और ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को जानता है, इसीलिए वो PSLV रॉकेट के इस हिस्से को अपने एस्पेरेंस म्यूजियम में रखना चाहता है, जहां पर नासा के स्काईलैब स्टेशन के डिब्रीज भी मौजूद है। नाउ वी कम टू आवर फाइनल क्वेश्चन, कि क्यों ज्यादातर स्पेस डिब्रीज केवल ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही गिरती है, और आखिर ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफी का इससे क्या रिलेशन है? तो देखो, इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि स्पेस में सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट को मेजरली दो तरह के ऑर्बिट ट्रेजेक्टरी में लॉन्च किया जाता है, पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसमें से पोलर ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें सैटेलाइट अर्थ के दोनों पोल्स के ऊपर से मूव करते हुए ऑर्बिट को पूरा करती है। वैसे इस तरह के ऑर्बिट बहुत कम तरह की सैटेलाइट के लिए ही यूज किए जाते हैं, मोस्टली ऑब्जर्वेशन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च में यूज होने वाली सैटेलाइट के लिए, क्योंकि इसमें अर्थ के अलग अलग ऑर्बिट के दौरान पूरी अर्थ सरफेस को मैप किया जा सकता है। अब इसके बाद बारी आती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि GEO की। ये ऑर्बिट सबसे ज्यादा
ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इस ऑर्बिट के जरिए हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर इक्वेटर के पास टाइडली लॉक्ड रखते हुए सैटेलाइट को अर्थ के रोटेशन के साथ मूव करा पाते हैं। और देखो, इसीलिए इस ऑर्बिट में हम मोस्टली ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भेजते हैं। इसके अलावा जिन स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से दूर किसी और सेलेस्टियल बॉडी की ओर भेजना होता है ना, तब भी हम इसी ऑर्बिट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को तेज कर पाते हैं। अब जैसा कि हम जानते ही हैं, अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, एंड क्योंकि अर्थ राउंड शेप में है, इसलिए उसके पोल्स के करीब सरफेस पर मौजूद किसी पॉइंट के कंपैरिजन में अर्थ के इक्वेटर पर मौजूद कोई पॉइंट अर्थ के एक ऑर्बिट को पूरा करने में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अर्थ के इक्वेटर पर अर्थ की रोटेशन स्पीड ज्यादा है, और इसीलिए जब अर्थ के इक्वेटर से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाता है ना, तो इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की स्पीड भी अर्थ की स्पीड को मैच करके आसानी से उसे ओवरकेम कर पाती है, और कई मामलों में तो ये स्पीड अर्थ की रोटेशनल स्पीड से भी काफी ज्यादा हो जाती है, जिसे देखो अर्थ की स्पीड से निकलकर किसी और सेलेस्टियल बॉडी की ओर जाने में मदद मिलती है। और यही सेम चीज हमने चंद्रयान 3 में भी की है, जिसे 14 जुलाई को अर्थ के 36,500 x 170 किलोमीटर के जियो स्टेशनरी इलेप्टिक ऑर्बिट में प्लेस किया गया, जहां से इसने धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को बढ़ाया और अर्थ की ग्रेविटी से स्लिंग शॉट के जरिए बाहर निकल गया और अब तेजी से चंद्रमा की ओर अपनी जर्नी कर रहा है। वैसे क्या आपको पता है कि 36,500 x 170 किलोमीटर के जियो स्टेशनरी इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है? नहीं पता? तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, नंबर्स 36,500 x 170 किलोमीटर अर्थ सरफेस से स्पेसक्राफ्ट का एल्टीट्यूड डिफाइन करता है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू 36,500 किलोमीटर स्पेसक्राफ्ट की अर्थ की तरफ से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे अपोपिस वैल्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा सेकेंड वैल्यू 170 किलोमीटर स्पेसक्राफ्ट की अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एस्ट्रोनॉमी में पेरिएपेसिस पॉइंट कहा जाता है। अब अगर आप स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को समझ गए तो आप समझते हैं कि आखिर इससे ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है। तो देखो, अगर आप दुनिया के सभी कंट्रीज में मौजूद अलग अलग रॉकेट लॉन्च साइट को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर लॉन्च साइट इक्वेटर के पास से ही होते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि इससे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के जियोस्टेशनरी इलेप्टिक ऑर्बिट में भेजना काफी आसान होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान उन कंट्री को होता है जो इस इक्वेटोरियल लाइन के करीबी हिस्से में मौजूद है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। वैसे इंडिया के पीएसएलवी रॉकेट का ये हिस्सा तो इंडियन ओशन में गिरने के बाद वेव्स के चलते ऑस्ट्रेलिया के बीच तक पहुंचा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी अदर कंट्रीज के स्पेस मिशंस के लिए एक्चुअली काफी खराब है। वैसे ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई कंट्रीज के रॉकेट पार्ट्स और यहां तक कि स्पेस स्टेशन भी ऑस्ट्रेलिया पर गिरा है, जिसका सबसे रीसेंट एग्जांपल स्पेसएक्स रॉकेट कैप्सूल डिब्रीज है, जो कि कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलियन के स्नोवी माउंटेन्स के एक फार्म में गिरी थी, जहां पर लोगों का कहना था कि उन्हें इसके गिरते वक्त एक काफी हैवी साउंड सुनने को मिला। थैंकफुली उस समय इम्पैक्ट साइट पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर इतना बड़ा मेटल पीस किसी पर भी गिरता तो उसकी जान जानी तो तय थी। इसके अलावा अगर समय में थोड़ा पीछे जाया जाए तो जुलाई 11, 1979 में अपने डी ऑर्बिट प्रोसेस के दौरान अनइंस्टेबल होकर कई बड़े पार्ट्स में टूटकर नासा का फर्स्ट स्पेस स्टेशन स्काईलैब भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े हिस्सों में गिरा था। अब देखो, वो तो काफी लंबे समय से ही ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम रही है, इसीलिए इन स्पेस डिब्रीज के ऑस्ट्रेलिया पर क्रैश होने के बावजूद वहां के लोगों को इससे काफी कम नुकसान हुआ है। बट अगर ऐसा इंडिया के साथ होता ना, तो इससे इंडिया में एक भयानक दृश्य देखने को मिलता। वैसे नासा का स्काईलैब स्पेस स्टेशन ऑस्ट्रेलिया पर गलती से गिरा था या फिर गिराया गया था, ये आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि कई साइंटिफिक प्रूफ्स हैं जो दिखाते हैं कि इस स्पेस स्टेशन को ऑस्ट्रेलिया पर गिरने से रोका जा सकता था। वैसे ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको इस पर भी एक डिटेल वीडियो देखना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफी स्पेस मिशंस के लिए इतनी भी अच्छी नहीं है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ऑस्ट्रेलिया के जूरियन बे बीच पर मिला ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट चंद्रयान 3 का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि पीएसएलवी का हिस्सा है। एंड गाइस, डोंट वरी फॉर चंद्रयान 3, क्योंकि इस मिशन के सक्सेस चांसेस काफी ज्यादा हाई है, और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो चंद्रयान 3 लूनार ऑर्बिट में भी पहुंच चुका है, जहां से इसने मून के साउथ पोल की कई डिटेल्ड वीडियो फुटेजेस एंड इमेजेस इसरो के साथ शेयर किया है।
जिन्हें आप इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसे देखकर एक्चुअली मुझे काफी प्राउड फीलिंग आती है। अब आपको भी इस पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये फुटेजेस नासा या एसा जैसी किसी फॉरेन स्पेसक्राफ्ट की नहीं है, बल्कि हमारे अपने स्पेसक्राफ्ट की है, जिसे बनाने के लिए इसरो को फंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अपने टैक्स मनी से हुआ है। और इन इमेजेस की सबसे स्पेशल बात यह है कि अगर इन इमेज को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें आपको मून सरफेस पर काफी ज्यादा क्रेटर्स दिखाई देते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ इयर्स में इससे टकराए एस्ट्रॉइड से बने हैं और हर समय इंसानों की नजरों से छुपते आ रहे हैं, क्योंकि एज वी नो कि चंद्रमा अर्थ के ऑर्बिट में टाइडली लॉक्ड है। ये फुटेजेस हमें दिखाती है कि हम मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करके हिस्ट्री बनाने के काफी करीब हैं, जिसके बाद इंडिया चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बन जाएगा। वैसे अभी के लिए चंद्रयान 3 लैंडिंग डेट 23 अगस्त 2023 है, जो कि बदल भी सकती है। और देखो, लैंडिंग के बाद हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आएंगे, तो मेक श्योर कि आप अंतरिक्ष टीवी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।